एक कबूतर था जो पेड़ पर एक घोंसले में रहता था। वो पेड़ एक घर की रसोई के बहुत पास था। और उसमें काम करने वालों को कबूतर बहुत पसंद था। वो लोग अक्सर उसे दाना डालते थे और उसका खूब ख्याल रखते थे। कबूतर अपनी जिंदगी से खुश था और उसे अपने घर से बहुत प्यार था। उस पेड़ के पास एक और पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। वो बहुत ही आलसी था और सबको परेशान भी करता रहता था। वो दूसरे पंछियों का खाना ले लेता था और कभी उनका घोंसला भी खराब कर देता था, क्योंकि उसे खुद मेहनत करने में आलस आता था। एक दिन कौवे ने कबूतर को उस रसोई से खाना लाते देखा। उसने देखा कि रसोई में काम करने वाले कबूतर के प्रति बहुत दयालु हैं और उसे भी ऐसा आराम चाहिए था। एक सुहानी सुबह का दिन था जब कबूतर अपना घोंसला साफ कर रहा था और अपनी पसंदीदा धुन गुनगुना रहा था। जब वो अपने घोंसले के लिए नई झाड़ियां उठा रहा था, तभी उसका पैर घास में फंस गया। वो अपना पैर निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक उसने ऊपर उस काले कौवे को देखा। कौवा बोला, हेलो दोस्त, ऐसा लगता है कि तुम फंस गए हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, कबूतर ने कहा। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। कौवे ने झाड़ियों को खींचा और कबूतर का पैर बाहर आ गया। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारा दिन खुशहाल रहे, कबूतर ने कहा। जैसे ही कबूतर उड़ने लगा, कौवे ने उसे रोका। थोड़ा रुको दोस्त, शायद तुम मेरी मदद कर सकते हो। बस एक छोटी सी बेनती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? फिर कबूतर बोला, हाँ, हम शायद दोस्त बन सकते हैं। अरे वाह, अब दोस्त तो सबका मिल बांट कर करते हैं। मैंने सुना है तुम्हारा घोंसला बहुत बड़ा और सुंदर है, चलो वहाँ चलते हैं, कौवा बोला। कबूतर थोड़ा हिचकिचाया मगर मान गया। दोनों उड़ चले। जब कौवे ने घोंसला देखा, वो बहुत खुश हुआ। कौवे को उस घोंसले में बहुत आराम मिला और उसने पूरा लुफ्त उठाने का सोचा। कबूतर ने उसे वहाँ रहने को और साथ में समय बिताने को कहा, जिससे वो खेलकूद और लोगों के बारे में गपशप कर सके। पर जब खाने का समय हो गया, कौवे को अपने लिए खाने की तलाश करनी थी और अपना ध्यान रखना था। कुछ दिन बाद कौवा बहुत ही परेशान हो गया। जब वो कबूतर को अपना सारा खाना खुद खाते देखता, वो चाहता था कि कबूतर उसके लिए भी खाना लेकर आए। पर कौवा मांस खाना चाहता था, मगर कबूतर तो रसोई से सिर्फ दाने लेकर आता। कौवे से इंतजार नहीं हुआ और उसने तय किया कि वो खुद रसोई में खाना लाने जाएगा। एक दोपहर वो चिमनी से नीचे रसोई में गया। उसे मच्छी बनने की खुशबू आई और वो रुक ना पाया।